नमस्कार दोस्तों, बहुत से लोग किशमिश के औषधीय गुणों को जाने बिना ही किशमिश खाते हैं क्योंकि उन्हें किशमिश खाना अच्छा लगता है। अगर आप किशमिश को सही तरीके से और सही मात्रा में खाओगे तो आपके शरीर से आधी बीमारी दूर हो जाएगी। क्या आप जानते हैं किशमिश कौन-कौन सी बीमारियों को ठीक कर सकती है? दोस्तों, जिन्हें अच्छी नींद नहीं आती है उनके लिए किशमिश सबसे ज्यादा फायदेमंद है। हम सब जानते हैं अगर नींद पूरी नहीं होगी तो शरीर के साथ साथ मानसिक बीमारी भी हो सकती है। किशमिश में मौजूद आयरन आपको बेहतर नींद दिलाने में मदद करेगा। बॉडी बिल्डर या एथलीट्स को किशमिश खाने के लिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें ताकतवर होने के साथ साथ बॉडी भी अच्छी बनानी पड़ती है और किशमिश स्वस्थ तरीके से आपका वजन बढ़ाने में बहुत अच्छे से मदद करेगी। इसके अलावा जिन लोगों को खाना ठीक से हजम नहीं होता है, भूख नहीं लगता है, एसिडिटी होती है, उन लोगों के लिए किशमिश बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, किशमिश में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो खाना जल्दी से पचाने में मदद करती है, जिस वजह से कब्ज नहीं होता है और एसिडिटी नहीं होता है, भूख भी बहुत अच्छी लगती है। किशमिश का और भी एक अद्भुत लाभ है, जिन लोगों के शरीर में खून की कमी होती है, मतलब एनीमिया होती है, उन लोगों के लिए किशमिश बहुत फायदेमंद है। किशमिश आयरन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे कई विटामिनों से भरपूर होता है जो नए रक्त और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करती है। खासकर अगर आप बच्चों को किशमिश खिलाओगे तो आपको कई फायदे होंगे। बच्चों के शरीर में खून की कमी नहीं होगी। किशमिश वजन और ताकत बढ़ाकर बच्चों को स्वस्थ बनाएगी और किशमिश में मौजूद बोरान बच्चों का दिमाग तेज करने के साथ साथ उनका याददाश्त भी बढ़ाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं किशमिश कैंसर के लिए कितनी उपयोगी है? हमारे रोज के खाने में किशमिश डालने से शरीर में कैटेचिन जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का स्तर बढ़ जाएगा जो कैंसर को रोकने में मदद करता है। किशमिश हमारे शरीर से हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर हमारे दिल को स्वस्थ रखने में भी काफी फायदेमंद होती है। इसके अलावा खून को साफ करने के लिए लीवर के साथ साथ किडनी को भी अच्छे से काम करना होता है। जब लीवर या किडनी में कोई समस्या होती है तो शरीर हानिकारक पदार्थ जमा करना शुरू कर देता है जो हमें बीमार कर देता है। किशमिश हमारे लीवर और किडनी को स्वस्थ और साफ रखने में मदद करती है और इसीलिए किशमिश खाना बहुत जरूरी है। किशमिश आपके दांतों को भी मजबूत करेगी, हड्डियों को मजबूत करेगी और आंखों की रोशनियों को भी बढ़ाएगी। मार्केट में कई तरह की किशमिश उपलब्ध है। लाल और काले रंग का किशमिश ज्यादा फायदेमंद होती है। ऐसी किशमिश ना खरीदे जो बहुत चमकदार हो क्योंकि उनमें केमिकल मिली होती है, इसलिए वो चमकता है। किशमिश खरीदते समय ध्यान रखे कि वह ज्यादा नरम ना हो या फिर बहुत ज्यादा सूखी हुई ना हो। अब किशमिश को किस तरह से खाना है? दोस्तों, किशमिश को सूखा ना खाए, किशमिश भिगोया हुआ पानी पीने से ज्यादा फायदा होगा। बच्चों के लिए 5 किशमिश और बड़ों के लिए 10 से 15 किशमिश रात को सोने से पहले एक गिलास पानी में भिगो कर रख दे। सुबह उठकर खाली पेट किशमिश के साथ पानी का भी सेवन करें। अगर आप थोड़ा गर्म करके पी पाओगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दें, जिन्हें शुगर है उन्हें ज्यादा किशमिश नहीं खाना चाहिए क्योंकि किशमिश में मौजूद फ्रुक्टोज या ग्लूकोज शुगर रोगियों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। इस तरीके का और भी वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करिए और लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद।